नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के सियासी समीकरणों को देखकर जनता हैरान और परेशान है। सत्ता का ऊंट किस करवट बैठ जाएगा, किसी को अंदाजा नहीं। कभी बीजेपी बहुमत का दावा करती है तो कभी कांग्रेस सब कुछ ठीक होने का दिखावा। लेकिन ये बात हर किसी को पता है कि सियासत के भूचाल में जमीनें दोनों तरफ की खिसकती दिख रही हैं। बीजेपी अपने विधायकों को हरियाणा लेकर गई तो कांग्रेस राजस्थान, और जो किसी के साथ नहीं है, सिंधिया समर्थित हैं, वो बेंगलोर में हैं। लेकिन असली बात तो ये है कि किसी के जो नहीं हैं, उन्हीं के दम पर प्रदेश के सभी नेता दम भर रहे हैं। शायद इसीलिए प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता और मंत्री जीतू पटवारी और लाखन सिंह अपने रूठे विधायकों को मनाने के लिए पूरी योजना के साथ बेंगलोर गए। और माना जा रहा है कि कुछ विधायकों को मनाने में सफल रहे, लेकिन ऐन वक्त पर कर्नाटक पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। इस पर मंत्री जीतू पटवारी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कर्नाटक पुलिस पर भाजपा के दबाव के कारण गिरफ्तारी की बात कही। वहीं मंत्रियों के साथ विधायक मनोज चौधरी के पिता नारायण चौधरी भी उपस्थित थे। कांग्रेस के आला कमान ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विधायकों के बंधक बनाए जाने के साथ ही भाजपा पर तानाशाही रवैया अपनाने और लोकतंत्र को तार तार करने वाला बताया। पल पल बदलती मध्य प्रदेश की राजनीति में आगे क्या कुछ होने वाला है, देखना और भी दिलचस्प हो जाता है। लगातार बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। सर माताड़े सिविल है, ड्यूटी ड्रेस की ड्यूटी बढ़ रहे ड्रेस क्यों बढ़ रहे संबंध पड़ती अट्ठे सर सर प्लीज गो इनके मोबाइल आज में हो रही है तो नाम ये अद्भुत है। और मैं मानता हूँ कि आप पूरा आदमी का नाम लिखा, आपका नाम क्या? ध्यान देना चाहिए, देश को ध्यान देना चाहिए। उसके पिता को नहीं मिलने जा रहे, मनोज चौधरी के पिता नारायण चौधरी। ये केवल बात वो नारियादा बात करके इतने में तो इन्होंने बिल्कुल जैसे ऐसा कर दिया जैसे कोई अपराधी हो, मंत्री जी के साथ में सबके साथ में गलत हरकत करी, बहुत ही घटिया शब्द बोले हैं। मैं मानता हूं कि इस तरह की तानाशाही पुलिस की बर्दाश्त नहीं होगी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में नारे विधायकों को यह बनता है।
भैया ले तो आशिक भैया आरुम वाले ब्लू ना।